चिंतामणि शाह, इन्होंने एक बच्चे की पढ़ाई के लिए अपना योगदान दिया है, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। ऐसे आप सभी लोग हमारी मुंबई से पधारी हुई, क्या नाम, सरोजबेन शाह, इन्होंने एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है। ऐसे नहीं होगा, पूरे 60 के 60 बच्चे आप लोगों को ले लेना है। हमारे मुकुल कारवा उदयपुर, इन्होंने एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है। नाम लिखते चले, कोई ना कोई एक जन नाम लिख ले, और जिन जिन की भी इच्छा है। हमारे श्रीमान हेमंत पूर्णिमा शाह अमेरिका, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। श्रीमान अरविंद जैन कनकलता जी जैन, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। श्रीमान संजय जी ढाकड़ा, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। हमारे भाविक गांधी अमेरिका, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। भाई साहब कोई लिख रहा है कि नहीं, लिखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। राशि मत पूछो, एक बच्चे की जिम्मेदारी लो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप सभी लोग, ये तो हमारे भाई साहब बता सकते हैं, आप बताइए। श्रीमान विमल जी दोषी कोलाबा मुंबई, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। श्रीमान नरेंद्र जी पालीवाल रायपुर, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। श्रीमान धन कुमार जी पूर्णिमा जी गड़िया, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। श्रीमती बीना जी जवेरी, इन्होंने एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है। कांतिलाल जी संजीव जी जवेरी, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। दो बच्चों की जिम्मेदारी ली है, आप बताइए। सुरेंद्र जी भावना शाह अमेरिका, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। रामचंद मोतीचंद शाह ट्रस्ट इंडी, डीआरजी शाह महेश भाई शाह, 5 बच्चों की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। जय बोले युगल मुनिराज की। श्रीमान चारुबेन शैलेश शाह, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। पूनम बंकिल शाह अमेरिका, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। सनत भाई शाह, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। अश्विन भाई जय श्रीबेन शाह खार मुंबई, 2 बच्चों की जिम्मेदारी ली है। 2 बच्चों की शुक्ला डॉक्टर शुक्ला संतोष शाह, इन्होंने एक बच्चे की माता पिता की जिम्मेदारी ली है। मुकेश भाई नैनाबेन बखारिया अमेरिका, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। दर्शना जी जवेरी मुंबई, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। शुभांगी दोषी, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। राजीव बेन बिंदु शाह अमेरिका, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। हमारे शकुन भाभी रतन जी, इन्होंने 2 बच्चे की जिम्मेदारी ली है। विजय बहन पारुल भाई पारुल बहन शाह विजय भाई, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। डॉक्टर उत्तम चंद जी जैन अमेरिका, इन्होंने एक बच्चा। मीना जी जैन, इन्होंने एक बच्चा। नहीं लेने दीजिए, 60 बच्चे मत समझिए, आप समझिए हमारे गुरुकुल का विस्तार करना है, एक बड़ा गुरुकुल बनाना है। धर्मेश भाई रागिणी बेन शाह, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। रमेश चंद्र जी डॉक्टर प्रफुल कोठारी गुलबर्गा, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। पंकज जी जैन दिल्ली, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। क्या नाम, प्रवीण गांधी उदयपुर, इन्होंने एक जिम्मेदारी ली है। जितेंद्र नैना शाह अमेरिका, इन्होंने एक जिम्मेदारी ली है। अश्वनी वीर कुमार डोटिया दिल्ली, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। 2 बच्चे सुनील जी ज्ञानचंद जी सेठ, नहीं आपसे 2 बच्चे नहीं, आपसे पूरा गुरुकुल हम बनाने वाले हैं। हमारे लिए गुरुकुल की एक बिल्डिंग बनाने का पूरी जिम्मेदारी ज्ञानचंद जी सेठ। बाबूजी को आगे बुलाइए, बाबूजी को आगे बुलाए। रूबी जी कुछ बता रही है।
प्रदीप जी, पारुल जी शाह, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। धर्माबाद पांडे परिवार ने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। प्रवीणाबेन वखारिया, एक बच्चे की जिम्मेदारी। अमिता जी दिल्ली, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। लिखते जाओ। मीनाक्षी सनत शाह, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। हाँ जी, नंद किशोर शाह पुणे, इन्होंने एक बच्चा। पूर्णिमा जी गांधी, इन्होंने एक बच्चा। केतन नीलम शाह बरोड़ा, इन्होंने एक बच्चा। जिगीशा वखारिया कलोल, इन्होंने एक बच्चा। हर्षा जी कोठड़िया। डॉक्टर शैलेश जैन, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी। प्रिंसी अंकुर जैन गोरेगांव मुंबई, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी। जया गंगवाल अंधेरी, इन्होंने मुंबई से हैं, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। राजेश जी जैन दिल्ली, राजेश जी जैन पुणे, इन्होंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है। बहुत बढ़िया, अब हमारा गुरुकुल व्यवस्थित बनने वाला है, बहुत सुंदर बनने वाला है। आप सभी के योगदान से हमारे ज्ञानचंद जी सेठ यहाँ आ रहे हैं। रूबी जी क्या बता रहे थे आप? रूबी जी, एक बहुत बढ़िया गुरुकुल अपने को बनाना ही है, जिसमें हमारे आर्ष परंपरा के ठोस विद्वान ऐसे 100 प्रदीप पंडित जी हमें बनाना है। हाँ, जयकारा गुरुदेव की। हमारी रूबी जी कह रही हैं कि यदि मुंबई में ये गुरुकुल बनता है तो जमीन मेरी ओर से रहेगी। रूबी जी, कीर्ति जी दावड़ा, जो हमारे संघ के संघपति हैं, जिन्होंने हमारे संघ को आजीवन चलाने की जिम्मेदारी उठाई है कि जीवन भर हम आपकी सेवा करेंगे, ऐसे कीर्ति कुमार जी दावड़ा, रूबी जी दावड़ा, इन्होंने मुंबई महानगर में यदि गुरुकुल बने तो जमीन की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारी ज्ञानचंद जी सेठ यहाँ पधारे हैं। करीब 5 वर्षों से उनकी भावना है कि एक शिक्षण संकुल हमारे नंद रतन परिवार के द्वारा बनाया जाए। मैं उनके लिए बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक शिक्षा संकुल पूरा प्रांगण निर्माण करने की उनकी भावना है। मैं ज्ञानचंद जी सेठ के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रेरणा दूंगा कि रूबी जी और ज्ञानचंद जी सेठ ये दोनों मिलकर के एक बढ़िया शिक्षा संकुल बना करके हमारे लिए प्रदान करें, जिसमें आर्ष परंपरा के 100 विद्वान एक साथ रह करके वहां पढ़ाई कर सके। ऐसा आज केवल ज्ञान कल्याणक का दिन है। देखिए कितना सुखद संयोग है, आज केवल ज्ञान कल्याणक का यह दिन है। और केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ही ये ज्ञान, सम्यक ज्ञान के प्रचार के लिए एक बहुत ही सुंदर उपक्रम आज समाज के सामने प्रस्तुत हुआ है। मैं ज्ञानचंद जी सेठ के लिए बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपके बिल्कुल नजदीक जो है बढ़िया एक गुरुकुल बनेगा और हमारे विद्यार्थी उसमें अध्ययन करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जोरदार तालियां बजाएं बाबूजी के सम्मान में। 5 साल से लगातार गुरुकुल बनाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जगह निर्धारित नहीं होने के कारण लेट हो रहा है। अभी रूबी जी ने, कीर्ति दावड़ा जी ने स्वीकृति दी है कि मुंबई के पास कोई जमीन लेकर के शीघ्र काम शुरू होगा। इन दोनों के सम्मान में तालियां बजाएं और मैं रूबी जी को आमंत्रित करता हूँ यहाँ आए और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। रूबी जी दावड़ा, रूबी जी ऊपर आ जाइए। हमारे वीर शासन प्रभावना ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्षा सौ रूबी जी दावड़ा और महामंत्री श्रीमान राकेश भाई जैन,
यही हमारे वीर शासन ट्रस्ट को देख रहे हैं। दोनों हमारे परम गुरु भक्त हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। रूबी जी अब बढ़िया गुरुकुल अपना बनना ही है, दोनों की भावनाएं हैं, किंतु संयोग नहीं था, आज ये संयोग हमारे लिए यहाँ आ चुका है। मैं दोनों के लिए ये जिम्मेदारी देता हूँ, अध्यक्ष और हमारे महामंत्री, जो भी आज यहाँ आप सभी ने अपनी स्वीकृतियां दी हैं, ये सारी स्वीकृतियां श्री वीर शासन प्रभावना ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका सभी लोग ध्यान रखें, ये ट्रस्ट ही ये गुरुकुल को चला रहा है। हमारी रूबी जी दावड़ा का सभी लोग तहे दिल से तालियां बजा करके एक बार अच्छे से सम्मान करें। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हाँ, चले अभी पंचकल्याणक का आज का जो विधान है। जी जी, उसकी बोली हमारे भैया जी कराएंगे। अक्षय धर्म स्नेही महानुभाव, आज जिन्होंने विगत 5 वर्षों से हमारे संघ की सेवा की है, सौ शांतला जी अजीत जी जैन, सौ शांतला जी अजीत जी जैन, इन्होंने विगत 5 वर्षों से संघ की सेवा कर्नाटक में जो हमारा विहार हुआ है, उस श्री विहार में उन्होंने पूरा अपना तन मन और धन से योगदान दिया है। आज के आहार दान की विधि में चंदन बाला बनने का लाभ श्रीमती शांतला जी अजीत जी जैन इन्होंने प्राप्त किया है, ये लाभ उन्हें दिया जाता है, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद है। चले पंच कल्याणक का विधान, कौन सा दीक्षा कल्याणक की पूजा पूजा होगी। पुस्तक है राजेश जी, चलो शुरू करें, स्थापना करेंगे सभी। मांगना है नहीं हमको कुछ आपसे, जिंदगी मेहमान बनके मेरे, अभी नहीं बात बात, मेहमान बन के मेरे मन में आना ना, मेहमान बन के मेरे मन में आना ना, मेहमान बन के मेरे मन में आना ना, प्रभु आना इस तरह आपाना इस तरह फिर लौट के न जाना, मेहमान बन के मेरे चले चले गाते रहो। प्रभु बन बंदित तीर्थंकर को जब राग उदित हो, लोकांच की सुरगा कर पूजे मन में बहु प्रेम उदित हो, उनके तप कल्याणक को मैं भक्ति भाव से बंधु, आवान कर पूजन करके कर्म शत्रु को खंडो। ओम ह्रीं श्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याणक समूहत्र अवतर अवतर समौषट, ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याणक समूहत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ, ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याणक समूहत्र मम सन्निहितो भव भव वशट। बोलो
दो लाइन के माध्यम से जल चढ़ाएंगे, उसके बाद सीधे सीधे चलेंगे भक्ति के साथ। स्वधर्मेंद्र महाराज, धन कुबेरेंद्र, महायज्ञ नायक ईशान महेंद्र, दो लाइन के माध्यम से जोरदार अपने जिब्बा को पवित्र करते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 युगल मुनिराज जी की जयकारा। गुरुदेव का आज गुरुदेव से मुलाकात होगी और फिर आमने सामने बात होगी, और फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज गुरुदेव से मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। दोनों हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर जयकारा लगाएंगे सभी। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 युगल मुनिराज जी की जयकारा। गुरुदेव का अरे आज गुरुदेव से मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी। आगे तक आवाज नहीं पहुंच रही है आप सबों की। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, तालियों के साथ जय हो। हर भेजा है कई बार निमंत्रण मेरे इन होठों ने, तुम कंचन की एक कसौटी में तो हो होठों में। भेजा है कई बार निमंत्रण मेरे इन होठों ने, तुम कंचन की एक कसौटी में तो हो होठों में। सर पे मेरे तुम पीछे रखो, हो जाएगा मेरा अकल ल्याण भी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, ला 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 ला। आज गुरुदेव से मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, ला 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 ला। और आज आज शायद महाराज जी का दीक्षा दिवस है। महाराज जी आज महाराज श्री का दीक्षा दिवस भी है शायद। कौन से महाराज जी का ये मुझे पता नहीं, मार्च महीना चल रहा है। चलो फरवरी की आपको सपने में आया होगा। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, ला 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 ला। हर सदियों से बीमार पशे का रोग नहीं पहचानो, और तुम ही हो औषधि मेरी एक बार मिलो तो जानो। सदियों से बीमार पशे का रोग नहीं पहचानो, तुम ही हो औषधि मेरी एक बार मिलो तो जानो। सर पे मेरे तुम पीछे रखो, हो जाएगा मेरा कल्याण भी। ला 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 ला। नंगा पापी का निर्मल जल कंचन भ्रंग भराओ, श्री जिनवर के चरण कमल में धारा दीन कराओ। तीर्थंकर के तप कल्याणक भक्ति भाव से पूजो, निश्चय अरुव्यवहार रत्न त्रय पाकर भव से छूटो। ओम ह्रीम
ओम रीम चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याण के भय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि मलिया गिरि चंदन केसर घिस गंध सुगंध जिलाओ जिनवर चरण कमल में अर्चोन जानंद सुख पाओ पीठन करके तप कल्याणक भक्ति भाव से पूजो निश्चय अरु व्यवहार रत्न त्रय पाकर शिव से छूटो ओम रीम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याण के भय चंदनम निर्वपामि मोती समय उज्ज्वल तंदुल ले तुम डग पुंज रचाओ अमल अखंडित सुख से मंडित निज आत्म पद पाओ तीर्थंकर करके तप कल्याणक भक्ति भाव से पूजो निश्चय अरु व्यवहार रत्न त्रय पाकर भव से छूटो ओम रीम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याण के भय अक्षतान निर्वपामि हो नंदन वन के लता कुंज से सुरभित पुष्प चुनाओ जिनवर चरण कमल में अर्पो निज गुण यश विकसाओ हो तीर्थंकर के तप कल्याणक भक्ति भाव से पूजो निश्चय अरु व्यवहार रत्न त्रय पाकर भव से छूटो ओम रीम श्री चतुर्विंशति तप कल्याण के भय पुष्पम निर्वपामि अमृत पिंड सदृश चरिता जी घेवर मोदक जिनवर आगे अर्पण करते सब दुख व्याधि नशाओ हो तीर्थंकर के तप कल्याणक भक्ति भाव से पूजो निश्चय अरु व्यवहार रत्न त्रय पाकर भव से छूटो ओम रीम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याण के भय नैवेद्यम निर्वपामि घृत दीपक में ज्योति जलाकर करो आरती भगवन निज घट का अज्ञान दूर हो ज्ञान ज्योति उद्योतन तीर्थंकर के तप कल्याणक भक्ति भाव से पूजो निश्चय अरु व्यवहार रत्न त्रय पाकर भव से छूटो ओम रीम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याण के भय दीपम निर्वपामि अगर तगर चंदन से मिश्रित धूप सुगंधित लाओ अशुभ कर्म को दग्ध करो में अग्नि संग जलाओ तीर्थंकर के तप कल्याणक भक्ति भाव से पूजो निश्चय अरु व्यवहार रत्न त्रय पाकर भव से छूटो ओम रीम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याण के भय धूपम निर्वपामि सेववामि अंगूर सरस फल लाके थाल भराओ जिनवर संसद अर्पण करते परम नंद सुख पाओ तीर्थंकर के तप कल्याणक भक्ति भाव से पूजो निश्चय अरु व्यवहार रत्न त्रय पाकर भव से छूटो ओम रीम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याण के भय फलम निर्वपामि प्रभु के दीक्षा महोत्सव के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई प्रभु के दीक्षा कल्याण के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई जल चंदन अक्षत कुसुमावली आदि के अर्घ बनाओ उसमें रत्न मिलाकर अर्पो निज गुण मणि को पाओ तीर्थंकर के तप कल्याणक भक्ति भाव से पूजो निश्चय अरु व्यवहार रत्न त्रय पाकर भव से छूटो ओम रीम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याणकेभ्य अर्घ्यम निर्वपामि तीर्थंकर परमेश तुम पद पंकज में सदा जग में शांति है तो शांति धारा में करो शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि प्रत्येक अर्घ्य अनंत मंडल के ऊपर पुष्पांजलि करे पहले अनंत चतुष्टय के धनी तीर्थंकर चौबीस सुकुमांजलि कर पूज्य हो नित्य नवाऊषी इति मंडलस्य उपरि पुष्पांजलि क्षिपे वीर प्रभु तुम आज तो दर्शन दिखलाओ वीर प्रभु महावीर प्रभु तुम आज तो दर्शन दिखलाओ लंबा है सफर तुम सही राग बतला देना गुरुदेव नीलांजना नृत्य देख वैराग भाव मन मेला लोकांति के सुर स्तुति करते सुर सुदर्शना पाल किलाए अजत उद्रा सार चेत बति नव भी साई काल छे मास योगे चाली से दिग्स्त तर्श दात बने
ओम नीम से चार सहसन पे उप समय मुनि हुए बिन पूछो दीक्षा दिवस को मिटे मोह अज्ञान। ओम रीम चैत्र कृष्ण नवम्याम वृषभ देव दीक्षा कल्याण काय दलारी अर्घ्यम निर्वपामि। श्री अजित देखे यो लिखा गिरना विरक्त हुए सुर गणया सुप्रभा पाल की में बैठा प्रभु को सहे तुकी बनला दिमाग नवमी अपराण रोहिणी नखत में बेला करे सात जी चाली तब मन पर ये ज्ञान हुआ सुख कर देगा मुनि बने अजित नाथ भगवान सूर्यपति ने युति सवे किया जजो सुत कल्याण। ओम नि माघ शुक्ला नवम्याम दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री अजित जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। तर्क चेंज करो। मेघों का बेमर्म देवीर हुए संभल मग सिर बोनौ मृगश नक्षत्र प्रहर तेजे सिद्धार्थ पाल के सजयु सुषण एक सहस नृपति सह दीक्षाली उद्यान सुहेत में प्रभु ने लोकांतिक सुर भी आए थे प्रभु स्तुति की उस ही क्षण में ओ बेला करके लोच कर नमासीत कहया ओ दीक्षा ले ध्यान से पोजो मिटे भवता। ओम प्रेम श्री मार्ग शिष्य पूर्णिमायम संभवनाथ जिनेन्द्राय दीक्षा कलंक प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामि। अभिनंदन मागे सुजीवारस नक्षत्र पुनर्वसु संध्या में गंधर्व नगर का नाश देख अनुरक्त हुए दीक्षातीय में पालके हस्त चेत्रा में बिठा कर सुर ले गए अग्रवन में एक सहस कृपति सह दीक्षाली मिला कर लीन हुए निज में ओ शची ने छोक बनाया जय हो परतिष्ठया वसन त्याग देशा धरे नमो नमो निशपा। ओम रीम माघ शुक्ला द्वादश्याम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। अलु बेला मौसम करता हे स्वागतम अलु बेला मौसम करता हे स्वागतम प्रातः श्री सुमति नाथ प्रभु वर जाते स्मृति से विरक्त हुए वैशाख नवमी सुधि मघा नखत अभयंकरी बालक सुर सजिए उठान सहे तुक में पहुँचे एक सह सिद्ध पति सहली दीक्षा कर दे जान तेरा प्रभु ने मन पर ये ज्ञान मुहूर्त ने चूर्ण के चोके पर वस्त्राभरण उतार लोच किया दिशा धरे जजो करो भव पा। ओम री वैशाख शुक्ला दश नवम्यम हम दीक्षा कल्याण प्राप्त है श्री सुमति नाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। श्री पद में नाथ जाते ये स्मृति से विराग पाए अपराण विषे कार्तिक वध तेरह में क्षेत्रा नक्षत्र निवर्ति कर पालकी में उत्थान मनोहर में पहुँचे एक सहस नृपति सहदी चाली बिना कर ध्यान सुदीन हुए पूजन पाए शिव पंचे तीर्थंकर वैराग चरण इंद्रासन भुकाऊं तप कल्याण नावते वंदत चित्रकाऊं। ओम रीम श्री जय कार्तिक कृष्ण त्रयोदश्याम कार्तिक कृष्ण त्रयोदश्याम दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री पद्म प्रभजनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि। जिन वर्षु पार्षिर तू का परिवर्तन देखा तब रक्त हुए नक्षत्र विशाखा ज्येष्ठ सुदे पारस प्रातः सुर पूज हुए मनोगति पालक में बैठे प्रभु सती के पन में पहुंचे
एक हजार नृप सह दीक्षाली बिला कर ध्यान विशेष भक्ति का मन जान कर लोकांतिक सुरा नाना विद ये स्तुते करे पूजो अर्घ चढ़ा ओम रीम जीत शुक्ला द्वादश्याम दीक्षा कल्याण प्राप्त है श्री सुपासना जी निद्राय नमा जला दी हरिगम निरुपाम देश थोड़ा फास लेना चंदा प्रभु दर्पण में गुंजन इधर आओ हाँ चंदा प्रभु दर्पण में सुख लग बे राज भाव में लीन हुए अपराण्य पोष बदले का दशी अनुराधा नकद पवित्र किए विमलावर बाल के वजन कर सर्व गुण में वन बहुजे एक सनुपति स दीक्षा ली सुरगण वंदित मुंजुए ओ बेला कर ध्यान स्थ हो किया कर्म चकचो जो नर नारी पूजते करे मृत को छो ओम रे पौष्टिक एकादश्याम चंद्रप्रभु दीक्षा कल्याण प्राप्त चंद्रप्रभु जी निंद्राय नमा जला दिए हरिगम निरुपामि देश प्रभु सुभद्र नाथ उलका गिरते देखा वे रक्ति अपराण्य काल मग सिर सुदिए कम शुभ तुझ में सुंदर वेद्या दर पूज्य काल विचित्र बाबाल की मेटे सुरगुण ले पुष्पन में एक सहज जनपद सहज दीक्षाली पूजो तब लक्ष्मी कर ने वेला करके योग में लीन हुए भगवान ओम रे मार्ग शिक्ष शुक्ला प्रतिपदायाम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि शीतल जिनह मिकनाश देखे अपिराण्य विरक्त हुए जग से वज बार समाज पूर्व साड़ा पालक शुक्र प्रभु में बैठे जाकर एक सहस नृपति सहली दीक्षा बेला कर ध्यान लीन हुए मुझको देवो संयम भिक्षा परमानंद अमृत चखे स्वयं सेत भगवान पूजो अर्चितल करे नमद बने ओम रिम मार्ग सदादश्याम दीक्षा कल्याण प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः श्रेयाय बसंत ऋतु लक्ष्मी का नाश देख वैराग्य धरा फाल्गुन वद ग्यारस श्रवण नगद पालकी विमल प्रभु देव धरा भूतान मनोहर में पहुंचे कुर्बान कोई उपवास किया एक हजार नृप के साथ लिया दीक्षा इंद्रो ने नमन किया प्रभु किया मोह का नाश में पूजो निज भाव से मिले सुज्ञान प्रकाश ओम रे फाल्गुन कृष्णाय एकादश्याम श्रेयो जिन दीक्षा कल्याण काय जलारी अर्घ्यम निर्वपामि प्रभु वासु पूज भव भोगों से वैराग पाप मन में लाए फाल्गुन वद चौदस विशाखा शत समय अपराण भय निर्मित पालकी में चल कर उद्यान मनोहर में पहुंचे मात्र में ये प्रगटा चौथा ज्ञान जय हो शुद्ध प्रभु तुम्हें सदैश मिले जजो धर ध्यान ओम रे फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम दीक्षा कल्याण प्राप्त है वासुपूज्य जिनेन्द्राय नमः जला दिए हरिगम निरुपामि जिन विमल बर्फ का नाश देख सुबह रक्त चैत अपराण काल सुधि मार्ग चतुर्थी नगद उत्तरा भद्रा पर सुन निर्मित भान पालकी देव दत्ता में चढ़ियो ध्यान बेला एक हजार नृपों के साथ लिया दीक्षा विधि से गुण अनंत के पुंज में स्वात में तद मिली नमो सदा दीक्षा दिवसे करो मोह को छे ओम रीम माघ शुक्ला चतुर्थ्याम दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री विमल जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि जिन वर अनंत युलिका गिरने से हो वे रक्त अपराण समय ज्येष्ठ सुभा दशी अपराणे इंद्रादि देव कण करे विनय ये आवाज बढ़ाना भैया संगी बेला एक हजार ने खुशी दीक्षा ली स्वयं नीच बने ओ सिद्ध नमा होशियार कर दीक्षा स्वयं धर नमो नमो प्रभु आपको निज पद देव तुरं ओम रिम ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश्याम अनंतनाथ दीक्षा कल्याण काय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा देखिए हमारे पास आकर के एक दो जन ऐसा बच्चों के लिए नाम बता रहे हैं कि हमें भी एक बच्चे का माता पिता बनना है आप एक साथ नाम हमारे विमल जी पंडित जी के पास लिख दे तो फिर हम एक साथ पढ़ करके बता देंगे हाँ आगे
प्रभु धर्म से उनका पात देख वैराग्य धरा अपराण समय दिमाग चतुर्दश पुष्प नकद पाल के नाग दत्ता शुभ मय उस पर चढ़ गए शांति बल में गुरु मान करे धरा दिगंबर में नमो नमो शिर नाय करे नशी विघ्न गणेश ओम ह्रीं माघ शुक्ला त्रयोदश्याम दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री धर्म जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि श्री शांतिनाथ दर्पण में दो मुखदेव विरक्त साम्राज्य तजान वर्णे नक्षत्र ज्येष्ठ कृष्णा चौदशी अपराण समेत पालक में चढ़ कर पहुँचे आनंद में लीन हो पूर्ण शांति को पाए नमो नमो तुम पदम गले सर्व शांति पला ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दश्याम दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री शांति जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि श्री कुंतनाथ जाते स्मृति निधो विरक्त हुए अपराह्न काल वैशाखी शुक्ल के कम कृतिका नक्षत्र मनाते इंद्र भा विजया पाल के में चढ़ करे आप सुरले सहित वन वन में बेला करे विमान सुन दीक्षा ले सिद्ध नमा करे इंद्र पाल की आपके ही स्वयं धरे निज कन लोकांचक सुरभि नमे जजो हरो दुखदन ओम प्रेम से वैशा शुक्ला प्रतिपदयाम कंदनाज निंदा दीक्षा कल्याण प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि तेश ओ रनाथ मेघ का नाश देख वैराग्य धरा अपराण का मग सिर सुध दशमी नकद रे विजय नमो भक्ति से नमा भार पालक में भेजंती में प्रगटे सुर लिया सहित दुख बन मन पीला एक सहस्त्र नेप से दीक्षा ली ले लिया सुबह ओ जिस क्षण पर वैराग्य हो सूर्यासन कंप सुरगण का उच्च सभे करे ये जजत मिले भगवान ओम ह्रीं मार्ग शीर्ष शुक्ला दशम्याम अरनाथ दीक्षा कल्याण प्राप्ताय अरनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामि जिन मल्लिनाथ जाति स्मृत से होकर विरक्त अपराण समय मग सिर सुदिवार नक्षत्र अश्वति सुरपति ने या किया विनय मार्ग शुक्ला एकादश्याम दीक्षा कल्याण प्राप्ताय मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ते ओ मुनि सौभृत जनजाति स्मृति से वैराग्य धारे अपराण समय विशाखे वदे दशमे नक्षत्र श्रवण लोकांतिक किया विनय इंद्राणी ने भक्ति से वन में चौक बनाए प्रभु जी उस पर बैठ कर दीक्षाली सुखदा ओम ह्रीं ह्रीं वैशा कृष्णा दशम्याम दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री मुनि सूरत जिनेन्द्राय जलादि अर्घ्यम निर्वपामि नम जिन जाति स्मृति से विरक्ति आय साढ़े बजे दशमी तिथि में अपराण काल अश्वनी नगद बैठे योत्तर गुरु पालकि में वेश धारा प्रभु वस्त्राभूषण त्या पूजो दीक्षा तिथि अबे बड़े स्वामी अनुराग ओम ह्रीं श्री आशा कृष्ण दशम नमिनाद दीक्षा कल्याण प्राप्त श्री नमिनाद जिनेन्द्र नमा जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ते श्री नमिनाद श्री नेमिनाथ पशुपति देख जाति स्मृति पाव रखते हुए श्रावण सुद छठ उत्तम तिथि में सिर लोकांतिक भी नमन किए देव गुरु में बैठे पर सरसा में सुरपति ने युत सभी किया नमो नमो में आप शिव कांता के हेत प्रभो दिया राज मत त्या ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला षष्ठ्याम दीक्षा कल्याण प्राप्त श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र नमः जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ते प्रभु पार्श्वनाथ जाति स्मृति वैराग्य पाय पूर्वाणि उदय त्रिभुज ग्यारह से चतुशुभ भी प्रभु विमला बा पाल की चढ़े दीक्षा सुर ने प्रयोग दारा तुम मुझको भी दो समरस दीक्षा सुरग संग आए यहाँ उत सब दिया अपो मैं पूजो दीक्षा दिवसे हो वे सो भी अपो ओम ह्रीं श्री
एकादश्याम दीक्षा कल्याण प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः जला दे अर्घ्यम निर्पामि दे त्रिशला के दुलारे आजा चंदना पुकारे आजा कोई कोई में कहा तुम जाते हो कहा चंदना पुकारे आजा त्रिशला के दुलारे आजा कोई कोई में यहाँ तुम जाते हो कहा महावीर प्रभु जाते स्मृति से विराग धरा अपराहन समय मग सिर वदे दशमी तिथियों तम सब ग्रहतियों तम श्रेष्ठ समय कोई कोई मैया तुम जाते हो कहा चंद ओम रिम श्रावण शुक्ला षष्ठ्याम एक सेकंड महाराज जी तो भर देव देवियां एक एक किया महोत्सव धन्य नमो नमो प्रभु आपको सुख दो स्वातम जय ओम रिम मार्गशीर्ष कृष्णा दशम्याम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय जलानि अर्घ्यम निर्वपामि बोलिए महावीर भगवान की हर मन जब कहीं ना लगे तो मंदार गिरिया ना मन जब कहीं ना लगे तो मंदार गिरिया ना आके मेरे गुरुवर के चरणों में खो जाना पूर्ण अर्घ चढ़ा रहे बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथों को उठाकर दोनों हाथों को उठाकर जोरदार जयकारा लगाएंगे बोलिए दिव्य का समोशरण भगवान की परम पूज मुनि श्री 160 युगल मुनि राज की पर्वती खड़ा है ऐसा जिसकी छटा निराली छटा निराली पर्वती खड़ा है ऐसा जिसकी छटा निराली खड़ा है ऐसा जिसकी छटा निराली जिसकी कमान गुरुवर गुरुदेव ने संभाली जिसकी कमान गुरुवर गुरुदेव ने संभाली तभी तो गुरुओं का यहाँ पे हुआ आना तभी तो गुरुओं का यहाँ पे हुआ आना यहाँ पर आके लगे जग सारा जब कहीं ना लगे मंदार गिरिया ना ओम रिम जिन निशाब यक्षूर सिंह हारते इस जिनकी राग हार लिया सब जिनकी प्रथम पारणा में सुरगण ने पांचाचार किया सनमन के सब आहारों में रत्नों की वर्षा सूच हुई अधिकाधिक 12 कोटि सुपम से 24 जिन दीक्षा दिवसी सजू भक्ति उठा पांच बाल यदि को नमो मिले तपो निदिशा तभी तो गुरुओं का यहाँ पे हुआ आना मन जब कहीं ना लगे मंदार गिरी आना ओम प्रेम श्री चतुर्विचित्र दीक्षा कल्याण प्राप्त है श्री चतुर्थंकरेभ्यो जलाधिअर्घ्यं निरुपामिते शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि हाँ लीजिए जाप ओम रीम तप कल्याणक सहित चतुर्विंशति तीर्थकरेभ्यो नमः 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 जय माता
नित निरंजन देव परम हंस परमात्मा करो चरण के से तुण गुण माला गाए के दर्शन करा दे गो यारे मंदार गिरी का दर्शन करा दे गो यारे दर्शन करा दे हरिया जय माला पढ़ते चलो बोलते रहो चिन्मय ज्योति चेतन चित चेतनी सुधा कर जय जय चिन मूरत चिंता मणि चिंचित प्रत्ये रत्ना कर लोकांतिक सुरगण भी आते पुष्पांजलि को अर्पे तीर्थंकर भगवान स्वयं के दीक्षा लेते वन में सिद्धों की साक्षी से दीक्षा गुरु नहीं जन हुई वन में दीक्षा लेते समय समय बस एक ही होवे ज्ञानी प्रभु के मन पर्याय के ज्ञान उसी क्षण होवे हो मौन धरे प्रभु मुनि जीवन में दीक्षा भी नहीं देते नहीं शिष्य परिकर रखते प्रभु चतुर्मास नहीं करते नहीं अत्याचार दोष हो प्रभु नहीं उनके अस्त रहित निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा उनके तीर्थंकर जिनके साक्षाति भी सर्वोत्तम चर्या है जिन कल्पी मुनि उन अनुसारी जिन सम कहलाते हैं जिस घर में आहार प्रभु का अच्छे भोजन में होवे पंचाचर दृष्टि सुर करते रत्ना वर्षा होवे ध्यान करे प्रभु कल्प वृक्ष सम करे विजन वन में हो तुझिया तम अनुभव रस पी कर परमानंद मगन हो घोर तपश्चर्या करके प्रभु शुकल ध्यान को ध्याते क्षमता श्रेणी अरोहण कर ध्यान कर्म नशाते यद्यपि में व्यवहार नया सिद्ध कर्म कलंक सहित हो जन्म मरण के दुख सह कर निज सुख में विरहित हो फिर भी निश्चय नहीं आज से शुद्ध दूसरे तक दूरी परमानंदा तेंद्री सुख में दर्श ज्ञान स्वरूपी हो वर्ण गंध रस संस्पर्श में चिदानंद शुद्ध आत्मा संसारी होकर भी निश्चय नैसे में वे परमात्मा हे प्रभु ऐसी शक्ति दीजिए तत्त्व चरण पर पाऊं ज्ञानमति केवल करने को नित आत्म को ध्याऊं हर तोरे कारण लेकर आयो पारिजात राखो तोरे कारण लेकर आयो सूरैया के फूल बमा जल का दर्शन करा दे पूर्णा समोचरण का दर्शन करा दे ओ दर्शन करा बे हरिया कारण लेकर आए पारिजात रा फूल हर तोरे कारण लेकर आयो सूरैया के फूल मंदार गिरी का दर्शन करा दे तो यारे दर्शन करा दे हरिया दर्शन करा दे हरिया हर योगल गुरु नाम जपो रे सुबह और शाम रे युगल गुरु नाम जपो रे सुबह और शाम रे आएंगे आएंगे गुरुवर आएंगे 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 गुरुवर आएंगे बने मेरे बिगड़े काम रे हो गुरुवर बने मेरे बिगड़े काम रे मंदार गिरी के पर्वत पर से अमृत खा
सच्चा है तेरा दरबार ओ स्वामी सच्चा है तेरा दरबार सुंदर सुंदर नजा जी गए बरसे अमृत धार पूजा करे है संसार ओ स्वामी पूजा करे है संसार ओ तोरे कारण लेकर आयो पारिजात रखो ओ तोरे कारण लेकर आए पारिजात रखो हर तोरे कारण लेकर आयो सूरैया के फूल मंदार गिरी का दर्शन करा दे गोया रे दर्शन करा दे हरिया दर्शन करा दे हरिया कल्याण तो नमो स्वास्मिन दी के गे तो निज पूजा चिंतामणि अजर अमर कर दे आएंगे आएंगे मेरे गुरु आएंगे 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 मेरे गुरुवर आएंगे हर बने मेरे बिगड़े काम रे हो स्वामी बने मेरे बिगड़े काम रे चतुर्विंशति तीर्थंकर तप कल्याण केभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामी शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि जो पंच कल्याणक महापूजा महोत्सव को करे वे पंच परिवर्तन मिटाकर पंच लब्धि को धरे फिर पंच कल्याण के अधिभो मुक्ति कन्या वश करे सुज्ञान मते रवि कर्ण से भविजन कमल आशीर्वाद लीजिए अभी हवन विधि प्रारंभ होगी तत्पश्चात भगवान का आहार जो भी मुख्य इंद्र है रोज जहां जाकर के बैठते हैं वहां जाकर के बैठे और इसमें लेट ना करें शीघ्रता करें शीघ्र ही जाकर के बैठे हेलो विसर्जन नहीं कर रहे क्योंकि आहार के पश्चात कंटिन्यू केवल ज्ञान कल्याणक चलने वाला है इसलिए कुछ भी सामग्री उठाना नहीं है आपके पास जो सामग्री उसको रहने दीजिए अभी हवन करें एक हवन कुंड तीन नंबर की वेदी पर दे दीजिए पुजारी जी एक हवन कुंड तीन नंबर की वेदी पर दो लीजिए हवन के लिए पुण्य वाचन प्रारंभ हो रहा आशीष पंडित कलश स्थापन करो पुण्य मंगल कुंभ स्थापनम करो मे स्वाहा ओम राम जल डालो कलश में आशीष पंडित ओम राम रीम रोम रोम रासपुंडरिक महापुंडरिक गंगा सिंधुर हरितांता सीता सुधा नारायण कांता स्वर्ण कुलारुला श्रीराम मोहन जिलम स्वर्ण प्रक्षात नवृत गंध पुष्पाभ्यर्थम माम दुगम पवित्रम गुरु करो द्रौं द्रौं मम मम संतोमस्य उसाजलाभिमंत्रणम करोमिति स्वाहा कलश को अर्घ नेत्राय कलशार्चनम कलशार्घम समर्पयामि स्वाहा हाथ जोड़े सभी पुण्य मंत्र हो रहे यारु मड़ी बट्टेयल्ली इल्ल अवरु होरगडे इरबेकु जो सोले में नहीं है वो इधर ना आए ओम पुण्यम पुण्यम प्रियंतम प्रियंतम भगवंतोरंत सर्वज्ञ सर्वदर्शनास्त लोकनाथ लोकमेता लोकदूतन कर शुभाजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभुपा चंद्र प्रभु पुष्पदंत शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमलानंद धर्म शांति कुंतवर मल्य मुनि सूरत नमि नमि पार्श्व वर्धमान शांत शांति कर सकल्प कांता दुग्मेशेन्द्र सर्वदश श्री रिगति विजवाद्य सर्व साधश्व प्रियंता प्रियंता आदित्य सुमंगल भूषु राव केतु नवग्र दूता श्व प्रियंता प्रियंता पंचदश देवता श्व प्रियंता प्रियंता अष्टाम नक्ष देवता श्व प्रियंता तष्ट शीघ्र देवता श्व प्रियंता प्रियंता तिथि करण मुहूर्त लग्न देवता शुभाष देवता अक्षर दर्शन गर्भ दंत पौर्यंत में वास्तु मातृ पितृ भातृ पुत्र पौत्र संबंधी बंधु वर्ग सहित यजमान पूजक स परिवार धन धान्य कृति बुद्धि वर्धनम भवतु तथास्तु बोलो शांतिर भवतु तुष्टिर भवतु पुष्टिर भवतु कामंगल सन्तु शामंत घोराणि शामंत पापानि पुण्यमर्दतां धर्मोवर्दतां श्रेयस्वर्दतां कुलम गोत्रम चाभिवर्तां
स्वस्तिभद्रं चास्तुना हस्तास्ति प्रबन्धना श्रोत्रं शृण्वन्तु निष्पतिकमलमस्तु शिवमतलमस्तु सिद्धा सिद्धि प्रयच्छन्तु वा स्वाहा। अभी शांति मंत्र आशीर्वाद मंत्र हो रहे हैं, सभी लोग तथास्तु बोल के स्वीकार करना। अभ्यर खिलाते निस्त्रे संपादन वक्तारक मातृ पितृ भातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु स्वजन संबंधी बंधुवर्ग सहितस्य यजमान पूजक सपरिवारस्य सकल कल्याणम करो तू तथास्तु बोलो। शांति कर्मश पादुष करो तू सौभाग्यम मातुनोतु संतुनोतु संपदम संपास विदारितु श्रनिकासतु विकासयतु मतसादतु प्रसादयतु सुखम सुखम तनोतु धुनोतु अनभिमतम वारयतु पूरयतु श्रेय महिम श्लाघयतु द्रागयतु पुण्य पापम व्याधिभूतं संभयतु कुपितं सुमतं व्यावर्तयतु प्रवर्तयतु सत्कर्मा सत्कर्म रोदयतु बोधयतु अनेकान मेकान निद्यापयतु विद्यापयतु विद्यासलमेन्तु सलमेन्तु सशास्त्रं पोषयतु शोषयतु श्रेयं प्रत्यवयं पुष्णातु मुष्णातु क्षामं क्षं क्षतु शयतु शौचमाचारं प्रतयतु दृढयतु कुमतिं सुमतिं अनिशयतु मर्दयतु वर्धयतु सकलाब्धनिश्रेय सिद्धि करोतु रुद्धि करोतु। ॐ ह्रीं ह्रीं क्षीं हंसं स्वाहा। कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनं सदास्तु आरोग्यमस्तु मवितार्थफलाप्तिरस्तु भद्रं सदास्तु जिनपुंगभक्तिरस्तु शांतिर्भवतु स्वाहा। दीपक जला लीजिए कुंड के ऊपर। रुचिर दीप्तिकरं शुभदीपकं तिमिर जालहरं प्रखरं सदा सकल लोक सुखालय दायकं किल धरामि सुमंगलकं मुदा। ओम ज्ञानिमा तिमिरराय ज्ञान दोतनाय दीपकं प्रज्वालनं करोमिति स्वाहा। पूजा की थाली हाथ में ले लो, अष्ट द्रव्य की थाली और पुष्प लेना। श्रीमत लोक जन शांति करो प्रशांति संसार परिभ्रमणम प्रशांति श्री शांति नाथ वैवंद समस्त शांति। ओम स्वय कुसुमांजलि मक्षिप्रामि ओम प्रस्तावनार्थ पुष्पांजलि क्षपेत। क्षेत्रपाल के अर्घ पान के ऊपर। क्षेत्रन मकेस्विन परिपालयंतम विज्ञान शेषानुसारयंतम वैश्वानरास परिकल्पितेन श्री क्षेत्रपालम मलिनाम धिनोमि। ओम रेमत्रिष्ठ क्षेत्रपाल आगच्छ आगच्छ सम्मोषट अत्र तिष्ठति षट्ठ अत्र मम सन्निहिता भोष्ट स्वाहा। क्षेत्रपालाय सर्वविघ्नविनाशनाय अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। शांतिम शांति धारा। कुंड के अंदर चारों कोने में एक एक अर्घ्य चढ़ेगा। पहला लीजिए ओम रेम वास्तु कुमार आगच्छ आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठति अत्र मम सन्निहिता भोष्ट स्वाहा। वास्तु कुमाराय सर्वविघ्नविनाशनाय अर्घ्यं समर्पयामि शांतिम शांति धारा। दूसरे कोने में ओम रे वायु कुमार आगच्छ आगच्छ सम्मोषट प्रतिष्ठ अत्र मम सन्निहिता भोष्ट स्वाहा। वायु कुमार है सर्वविघ्नविनाशनाय अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा शांतिम शांति धारा। तीसरे कोने में ओम रे महक कुमार देव आगच्छ आगच्छ सम्मोषट प्रतिष्ठ अत्र मम सन्निहिता भोष्ट स्वाहा। महक कुमार है सुगुण प्रत सर्वविघ्नविनाशनाय अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। जल के छीटे मेघ कुमार आय धरा प्रक्षालय प्रक्षालय ओम हम सम ओम झम तम क्षपट स्वाहा शांतिम शांति धारा। चौथे कोने में ओम आम कुमारी अग्नि कुमार आगच्छ आगच्छ सम्मोषट प्रतिष्ठ अत्र मम सन्निहिता भोष्ट स्वाहा। अग्नि कुमार आय सर्वज्ञविनाशनाय अर्घ्यं समर्पयामि शांतिम शांति धारा। कुंड के ऊपर ओम रेम षष्ठी सहस्र नागेभ्यो आगच्छ आगच्छ सम्मोषट अत्र तिष्ठत अत्र मम सन्निहिता भोष्ट स्वाहा। षष्ठी सहस्र नागेभ्य सुगुण प्रत्यय सर्वज्ञविनाशनाय अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा शांतिम शांति धारा। नाग तर्पणार्थ जलांजलिं क्षिपामि स्वाहा। ब्रह्म प्रदेश निधाधि पूर्व पूर्वादि काष्ठं पुनः क्रमेण दर्भ जगत गर्भ जिनेन्द्र यज्ञ विघ्नौघ विध्वंस कृते सुमंत्रम् प्रकृत अवधानाय पुष्पांजलि क्षपेत। पुष्प लेना दसो दिशा में। दर्भ स्थापना ब्रह्मादि दश दिक्षु दर्भ क्षेपणम करोमि ते स्वाहा। कुंड के अंदर अर्घ भूमि अर्चनम करोमि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। ये भूमि शुद्धि हुई अभी वेदी की स्थापना। ओम रिवरम क्षम टम पीठ स्थापनम करोमि ते स्वाहा। प्रतिमा स्थापना श्री पीठे प्रतिमा स्थापनम करोमि ते स्वाहा।
उदक चंदन तांदुल पुष्प कई धवल मंगल जो हवन कुंड के सामने जिनेंद्र भगवान की वेदी है जहां हमने प्रतिमा विराजमान की उन भगवान को ही अर्घ चढ़ रहा है कुंड के ऊपर या पूजा की थाली में चढ़ा सकते। ओम रीम हृत परमेष्टि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। भगवान के दाहिने हाथ राइट साइड धर्म चक्र है उसको हम अर्घ चढ़ाते। ओम रीम धर्म चक्र अर्चनम करोमि अर्घम निर्वपामि स्वाहा। भगवान के लेफ्ट साइड छत्रत्र है ओम रीम छत्रत्र अर्चनम करोमि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इसको आदि पुराण में तीन चक्र बोला गया है। जिनेन्द्र भगवान पहले चक्र तीर्थंकर फिर धर्म चक्र और छत्रत्र ये तीन चक्र हुए और तीन अग्नि की भी पूजा होगी आगे। अभी भगवान के राइट में जिनवाणी है उसका अर्घ ओम रेम द्वाश्याम जिनवाणी सरस्वती अर्घम निरूपामि स्वाहा। भगवान के लेफ्ट में गुरु है ओम रेम गणधर परमेष्टिभ्यो अर्घम निरूपामि स्वाहा। ओम रीम युगल मुनिराज चरणाग्र जलादि अर्घम निरूपामिति स्वाहा। भगवान के राइट में यक्ष है उनका अर्घ ओम रीम भूमुखादि यक्ष देव आगच्छागत समुष्ट स्वस्थाने तिष्ठत्र मम सनिता भुष्ट स्वाहा। चतुष यक्षेभ्यो सर्वज्ञनाशनाय अर्घम समर्पयामि शांतिम शांति धारा। भगवान के लेफ्ट में यक्षी है उनका अर्घ ओम रीम चक्रेश्वरादि शासन देवी आगच्छागत समुष्ट स्वस्थानतिष्ठत्र मम सनिता भुष्ट स्वाहा। चक्र शासन देवीभ्यो सर्वज्ञनाशनाय अर्घम समर्पयामि शांतिम शांति धारा। वेदी पर राइट में मंगल कलश की स्थापना है ओम रीम स्वस्थ कलश स्थापनम करोमिति स्वाहा। गंगा सिद्धवादि नदी तीर्थ जलम भवतु स्वाहा। नेत्राय समस्त कलशार्चनम करोमि स्वाहा। कुंड के अंदर अग्नि की स्थापना चार दिन से ही हुई है उसके ऊपर पुष्पांजलि करना। त्रिकोणम उज्ज्वलम जानम रक्त संजगलांचनम ब्रह्मार्गोदिक कुणशिखि मंडलम अस्मिन् कुंड मध्य अग्नि मंडल स्थापनम पुष्पांजलि क्षपे। अभी वहां पर बिना माचिस अग्नि प्रज्वलित करना है। दीपक के ऊपर से कपूर घी समिधा के माध्यम से और नारियल की कटोरी उसके माध्यम से अग्नि की स्थापना कुंड के अंदर। अंदर माचिस नहीं डालना है। उसहाय जिनम पण मामिषयाम जवर कपतरु सच काम दोहा पुरविजन हो पुरविजन हो पुरविजन हो। ओम 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 राम 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 अग्नि स्थापय हमिते स्वाहा। अग्निमंडले पवित्र अग्नि स्थापनम करोमिते स्वाहा। अग्नि संदुक्षणम करोमिते स्वाहा। अग्नि को अच्छी तरह प्रज्वलित कर लेंगे समिधा आदि लगा करके। ओम ह्रीम अग्नि वैश्वानर सरकर्माणि साधय साधय स्वाहा। ओम ह्रीम वैश्वानर जातवेद इहावलोक्षिताय सर्वकर्माणि साधय साधय स्वाहा। ओम ह्रीम वैश्वानर जातवेद इहावलोक्षिताय सर्वकर्माणि साधय साधय स्वाहा। लीजिए अग्नि की पूजा। ओम ह्रीम रक्तवर्ण सुलक्षण संपूर्ण स्वायद्वांचिनस्य परिवार अग्नि कुमार अत्रोत्र समष्टावमाननम अग्नि कुमार अत्रिष्ठ स्थापनम अग्नि कुमार अत्र मम सन्निहितो भवो षट् सन्निधिकरणम। अग्नि कुमाराय सगुण प्रत्ययितम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम क्षतम पुष्पम चरम दीपम धूपम फलम बलिम स्वस्तिकम यज्ञ भागम छिजामहे प्रतिगृहीताम प्रतिगृहीतामिति स्वाहा। शांतिम शांति धारा। लीजिए तीन अग्नि तीर्थंकर कुंड की ग्रहपत्य अग्नि की पूजा करेंगे। ओम रीम तीर्थंकर कुंड ग्रहपत्य अग्नि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। शांतिम शांति धारा। केवली कुंड में दक्षिण अग्नि की पूजा करेंगे। गणधर कुंड में आहुनि अग्नि की पूजा करेंगे। ओम रीम गणधर कुंडे आहुनि अग्नि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। शांतिम शांति धारा। और केवली कुंड में दक्षिण अग्नि की पूजा करेंगे। ओम रीम केवली कुंडे दक्षिण अग्नि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। शांतिम शांति धारा। कुंड की पहली सीढ़ी नीचे वाली लाल कलर की जो होती है वह 15 तिथि देवता सुरक्षा करते हैं उनका सम्मान सत्कार।